सज्जनों और देवियों, सदगुरु कबीर का ये प्रसिद्ध पद है और इसमें शिष्य की हृदय द्रावक वंदना है और मांग है सदगुरु से, दिन कैसे कटेंगे यह युक्ति बताते जाना। संबंध तो किसी का नहीं रहता है, गुरु का शरीर छूट जाता है और गुरु का शरीर छूट गया तो फिर शिष्य क्या करेगा, जो उनकी युक्ति है उसी से चल के उसके बेड़ा पार होगा। गुरु जीवित हैं लेकिन गुरु शिष्य के पास हरदम बैठे तो नहीं रहेंगे, शिष्य अलग है गुरु अलग है। शिष्य शौचालय में गया है, गुरु अपने बिस्तर पर है, या शिष्य बिस्तर पर है गुरु शौचालय में गया है, तो अलग तो हुआ। और एक साथ बैठा रहे तो भी गुरु शिष्य के मन में तो नहीं बैठा रहेगा, रहेगा तो अलग, वो युक्ति पर बताएगा। गुरु का शरीर है तो नहीं, शरीर है तो साथ में है तो दूर है तो, गुरु की युक्ति ही काम करेगी। गुरु वह है जिसने अपने जीवन को ठीक से निभाया है और निभा रहा है। शिष्य की यही मांग है कि हे गुरुदेव, हमें भी ऐसा रास्ता बताइए कि हमारे दिन अच्छे कटे। ये नहीं कि मैंने रोटी भात मिले और कपड़े मिले, मकान वकान मिले, ठीक से कटे, ये तो सबको मिलता। हम लोग मकान बनाए हैं, रोटी भात बनाते हैं, जानवर मकान नहीं बनाए, रोटी भात भी नहीं बनाते। स्वाभाविक भोजन और स्वाभाविक आवास है, अवस्त्र की आवश्यकता नहीं। वसन असन निवसन ये तीन होते हैं, वसन वस्त्र, असन भोजन, निवसन मकान। जानवरों के असन होते हैं, वसन और निवसन खास नहीं होता है। भोजन वो करते हैं लेकिन कोई निश्चित घर नहीं होता है और कपड़े नहीं होते, कपड़े तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं। कुछ कुछ जानवरों के बिल होते हैं, घोंसले होते हैं, लेकिन कोई अस्थाई मकान नहीं होता है और उन सब का जीवन कटता है। तो शिष्य ये नहीं मांग रहा है गुरु से कि हे गुरु जी, कैसे दिन कटेंगे, खाना पीना कपड़ा लत्ता घर द्वार सब ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा, ये जतन बताना, ऐसी बात नहीं। ये जतन तो सब करते हैं, दिन कटने का मतलब है कि सुबह से शाम तक हमारे मन की दशा क्या रहती है, कुढ़ कुढ़ के जलते हैं कि प्रसन्न होके जलते हैं। इसी में जीवन का महान अंतर है, जो कुढ़कुढ़ के जीता है, जल जल के जीता है, पीड़ित हो के जीता है, संतापित हो के जीता है, उसका जीना अच्छा नहीं है। जो प्रसन्न हो के जीता है, आनंदित हो के जीता है, मन की ग्रंथियों से मुक्त हो के जीता है, मन की ग्रंथियां गांठें काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या अहंकार चिंता उद्वेग, ये ग्रंथियों के कारण से होते गांठे, मन की गांठे, अहंकार की गांठ, काम मोह क्रोध की गांठ, इन ग्रंथियों से मुक्त होके जीना। मनोवैज्ञानिक कॉम्प्लेक्सस इन्हें कहते हैं, हम लोग ग्रंथियां और वासना कहते हैं, बात वही है।
कॉम्प्लेक्सेस गांठें, कॉम्प्लेक्स फ्री पर्सनालिटी, ग्रंथियों से वासनाओं से मुक्त जीवन, आनंदित जीवन, ये जीवन है। हे गुरुदेव, सुबह से शाम तक निर्ग्रंथ मन रहे, प्रसन्न मन रहे, कौन सी युक्ति है? ये बताए जाना। जाने शब्द में बड़ी करुणा की व्यंजना है। जाना एक वियोग है। कबीर साहब कहते, काहे कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले बिचारा। मैं पुकारे जा रहा हूँ, जो इसमें विवेकी होगा वो विचार लेगा। पंडित का अर्थ रूढ़ ब्राह्मण नहीं। जैसे तिवारी प्राणी सुकुल चौबे दुबे होते हैं, ब्राह्मण नामधारी, वो अर्थ नहीं। पंडित का मतलब विवेकी, सत्यासत्य विवेकनी बुद्धि पंडा। सत्यासत्य विवेकनी बुद्धि को पंडा कहते हैं। जैसे बुद्धि पंडा सो पंडिता, और जिसकी बुद्धि पंडा है वो पंडित है। जिसकी बुद्धि सत्यासत्य विवेकनी है, सांच और झूठ को अलग करती रहती है जिसकी बुद्धि, उसकी बुद्धि पंडा है और वही पंडित है। किसी खानदान में पैदा हो, विवेकवान पंडित है। सदगुरु कहे कबीर हम जात पुकारा। जब सदगुरु ने शिष्य को उपदेश दिया, उपदेश दे करके कहा कि मुझे न कच्चे से काम न पक्के से काम, मैं कृतार्थ रूप, कृतार्थ रूप हूँ। श्री पूर्ण साहब ने अपनी त्रिज्या की टीका में कहा, कच्चा ये सांसारिक जीवन और पक्का सद्गुण, सद्गुण से भी ऊपर जीवन मुक्त पुरुष उठ जाते हैं। तो शिष्य घबरा गया और कहा, महाराज आपको तो किसी से काम नहीं, बाह मरोरे जात हो मुझ सोत लिए जगाए, कहें कबीर पुकार के पिंडे हो की जाए। शिष्य ने कहा, हे सदगुरु आप तो कृतार्थ रूप हैं, लेकिन मैं ये सब जानता नहीं हूँ पूरा का पूरा, और जो जानता भी हूँ कच्चा मन है, पैर डगमगाते हैं, मन में भवसागर आता है, वाणी अव्यवस्थित हो जाती है, कर्म अव्यवस्थित हो जाते हैं, मैं अपनी दशा में टिक नहीं पाता हूँ। मुझे आपने सोते जगा लिए, मैं सो रहा था मोह में, अब आपने जगा दिया, ज्ञान दिया, लेकिन हम आप निभाएं, नहीं निभाएंगे तो हम डूब जाएंगे। तो सदगुरु कबीर ने कहा, अर्थात गुरु ने कहा, कहीं कबीर पुकार के पिंडे हो की जाए। इसी पिंड में, इसी शरीर में रहते रहते अपने स्वरूप में स्थित हो, नहीं तो भटक जाओगे। श्री पूर्ण साहब ने टीका करते हुए कहा, जाको तू गुरु कहता और कबीर कहता हो सो कहाँ है, हक ना हक धोखे में पड़े मत, इसी पिंड में पारख में स्थित हो। गुरु और कबीर हमें रास्ता दिखा दिए। कबीर रास्ता दिखा के चले गए, सैकड़ों वर्ष हो गए। वर्तमान के भी सदगुरु रास्ता दिखाते हैं और दिखा करके अलग ही रहते हैं। काम तो शिष्य को खुद करना पड़ेगा, गुरु अपना उद्धार करता है, और जिस रास्ते से अपना उद्धार करता वो रास्ता बताता है। अब शिष्य का काम है कि उसका आचरण करे। शिष्य का अर्थ है शासन मानने वाला। शासन कहते हैं उपदेश को। संस्कृत भाषा में शासन का अर्थ होता है उपदेश। अथ योगानुशासनम, योग दर्शन में पतंजलि महाराज ने कहा, अब मैं योग के विषय में
उपदेश करने जा रहा हूँ जो पहले से उपदेश होता रहा है। तो शासन का मतलब है उपदेश, और शिष्य है जो उपदेश को माने, शासन को माने वो शिष्य। गुरु अपना उद्धार कर चुका है और उस दशा में वो निरंतर रह रहा है। एक बहुत बढ़िया मंत्र है श्रुति का, पुरमेकादश द्वार मजस्यावकृचित सह अनुष्ठाय न शोचत विमुक्तश्च विमुच्यते एतत् वैतत्। ये कठ उपनिषद का है। यमाचार्य ने नचकेता को उपदेश करते हुए बताया है। नचकेता ने पूछा है, एम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित एके नायम अस्तित चेके। जब आदमी मर जाता है तो उसके विषय में लोगों के मन में भ्रम रहता है, विचिकित्सा भ्रम रहता है। अस्तित एके एक कहता है कि मर जाने के बाद भी आत्मा नहीं मरता है, वो है। नायम अस्तित चेके, लेकिन एक कहता नहीं, कुछ नहीं रहे, मरा और ख़त्म हो गया। तो महाराज ऐसा प्रश्न है, इसमें असलियत क्या है? तो यमाचार्य ने बहुत अपना पिंड छुड़ाना चाहा। अंत में नचकेता के प्रबल भाव को देख करके उन्होंने उत्तर दिया, और कठ उपनिषद इसी में बना, बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है। उसी में उन्होंने कहा, पुर में एकादश द्वार मजस्यावक्र चेत सा, पुरम एकादश द्वारम अजस्य अवक्र चेत सा। 11 दरवाजों का ये शरीर नगर है और इसमें एक अजन्मा सरल चेतन निवास करता है। पूर्व में एकादश द्वार मजस्यावक्र चेत सा है। एकादश दरवाजे के नगर मानव शरीर में अजस्य अवक्र अचेत सचेत अवक्र अजस्य अवक्र और अचेत, जो अज हो जन्मे न, अवक्र हो टेढ़ा ना हो, शुद्ध हो सरल हो, और चेत चेतन हो, इस शरीर के अंदर में एक आत्मा निवास करता है, जीव निवास करता है, जो अजन्मा है सदा से है और अवक्र है, शुद्ध है निर्मल है, और चेतसह चैतन्य अनुष्ठायन शोचत, जो इसका अनुष्ठान कर लेता है वो चिंता नहीं करता है। अनुष्ठाय का मतलब है उपासना, अनुष्ठान करना, किसी साधना को आरंभ करना, उपासना करना। जो आत्मा की उपासना कर लेता है वो चिंता नहीं करता है। बिल्कुल आपके पारक सिद्धांत के अनुसार बात है। आपके पारक सिद्धांत के सूत्र अन्य शास्त्रों में भी जगह जगह हैं, क्योंकि सब जीव पारक ही हैं। तो पारक के बाद बीच बीच में दूसरे लोग भी कहते हैं, लेकिन स्थिर न रहने से कुछ दूसरी बात उल्टी कह देते, बस उलझ जाती है। साहेब की विशेषता है कि उल्टी नहीं कहते, सीधी ही कहते, ये उनकी पार दृष्टि है। जो इस शरीर के अंदर में जीव है वही अजन्मा है, वही सरल है और वही चेतन है, और उसकी जो उपासना करता है वो चिंता नहीं करता है। जो ये समझता है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूँ, काला गोरा नहीं हूँ, ब्राह्मण शूद्र नहीं हूँ, हिंदू मुसलमान नहीं हूँ, धनी निर्धन नहीं हूँ, विद्वान विद्वान नहीं हूँ, शरीर के सड़ने से मैं सड़ता नहीं हूँ, शरीर की जीर्ण होने से मैं जीर्ण नहीं होता हूँ, मैं तो शुद्ध चेतन हूँ, ये भाव जो रखता है और इसी में अनुराग रखता है, इसी का चिंतन करता है, तो यही उसका अनुष्ठान करना है,
उपासना करना है, तो चिंता नहीं करता है। शरीर गलता है तो मैं शरीर थोड़े गले, उसका स्वभाव है गलना। प्रिवियोग होता है, प्रिसंजोग होता है, उथल पुथल संसार में निरंतर होता रहता है, अपनी मानी गई वस्तुएं बिखरती रहती हैं, तो मेरा क्या जाता है। संग चले सो धन है संतो, छूट जाए सो माया। जो साथ में चले वो धन है, जो छूट जाए वो माया है, और सब छूट जाता है, केवल आत्मा ही आत्मा के साथ है, वो सब छूट जाता है। इसलिए आत्मा ही आत्मा का धन है। इसीलिए बीजक के पाठफल में कहा गया है, आत्म धन जही ठौर है बचन कबीर उपदेश। आत्मा रूपी धन धन जिस जगह है, कबीर के वचनों का उपदेश उसी के लिए है। कबीर जिसका उपदेश करते हैं उसके वचन आत्मा के लिए, जीव के लिए। आत्मा रूपी धन, आत्मा आपका धन है। और ये जो पक्का निश्चय कर लेता है और इसी में अनुराग हो जाता है और यही निरंतर इसी भाव में रमता है, न सोचते, वो चिंता नहीं करता है। अगर कोई मर गया तो समझता है तो मरना ही था, जो मिला है वो तो बिछुड़ना ही था। किसी ने निंदा कर दी, विचार उसका है, समझ उसकी है, कर दिया होगा, जब समझेगा तो ऐसा नहीं करेगा, उसके लिए दुखी होने की ज़रूरत नहीं। किसी ने प्रशंसा कर दी, उसका मन है, जब मन बदल जाएगा तो निंदा भी कर सकता है। जो अपनी आत्मस्थित की ऊंचाई पर चढ़ जाता है तो दुनिया की वस्तुएं उसे छोटी दिखाई देती। आप अगर किसी पर्वत पर चढ़ करके देखें तो ये गांव छोटे छोटे लगेंगे, काफ़ी ऊंचे पर्वत पर चले जाएं तो गांव छोटे छोटे लगेंगे, खेत बिल्कुल बहुत छोटे छोटे लगते हैं, नाले नाली की तरह, नदियां नाली की तरह दिखाई देती हैं। ऊंचाई पर चढ़ जाने पर सारी चीज़ें छोटी लगती हैं। जो आत्म शांत की ऊंचाई पर चढ़ जाता है उसके लिए दुनिया की सारी चीज़ें छोटी हो जाती हैं। जैसे कोई सम्राट हो जाए, बादशाह हो जाए, तो उसके लिए छोटी छोटी झोपड़ियाँ क्या मूल्य रखती। राजभवन में है वो, और विस्तृत राज्य का सम्राट है तो उसको छोटी छोटी झोपड़ियाँ, खेत, ये सब का क्या मूल्य। जो आत्म शांति पा गया उसके लिए दुनिया छोटी हो जाती है, इसलिए उसको चिंता नहीं होती। विमुक्तश्च विमुच्यते, वो जीवन भर मुक्त रहता है और शरीर छूटने पर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जो पूर्ण साधक है, जिसको अंततः हम सद्गुरु कह सकते हैं, वह स्वयं मुक्त है और उस मुक्त की रहनी में वो जीता है रात दिन। उसी से शिष्य ये मागन करता है, हे गुरुदेव हमें भी रास्ता बताइए, जतन बताए जइयो कैसे दिन कटे, हमारे दिन कैसे कटेंगे, ये जतन बताए जाना। दिन तो सबके कटते हैं, लेकिन जिस जो इसमें भाव है कैसे कटेंगे, सुख से कटे, ईर्ष्या करके दिन न कटे, क्रोध करके दिन न कटे, काम वासना में लिप्त हो के दिन न कटे, लोभ मोह में मन लिपटा लिपटा रहे ऐसा दिन कटे, ऐसा जीवन क्या है। चिंता उद्वेग अशांति पीड़ा मन की वेदना में जीवन न कटे। सब लोग दुखी हैं, सब खाते हैं लेकिन दुखी हैं, पहनते हैं लेकिन दुखी हैं, घर में रहते हैं लेकिन दुखी हैं। क्यों? क्योंकि मन ठहरता नहीं, मन की इच्छा पूरी नहीं होती है। इच्छा कभी पूरी होती है?
इच्छा मिटाई जा सकती है, पूरी नहीं की जा सकती, आंशिक पूरी हो सकती है, थोड़ा अंश पूरा होगा, ज़्यादा नहीं। एक इच्छा पूरी हो जाने के बाद दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है, इसलिए वो पूरी होती ही नहीं है। जब इच्छा छोड़ दी जाती है तभी पूरी होती है। इसलिए सदगुरु कबीर ने व्यंग किया है बीजक में, परेन पूर दिनों दिन छीना, तहाँ जाए जहाँ अंग बिहोना। पूरा नहीं पड़ता है मनुष्य को और दिन दिन वो छीण हो रहा है। परेन पूर दिनों दिन छीना, न पूर पड़ने मतलब क्या है, संतोष नहीं होता है, तृप्ति नहीं होती, आनंद नहीं आता। बचपना से बुढ़ापा तक समय बीत गया लेकिन अभी तक तृप्ति नहीं हुई, संतोष नहीं हुआ, मन आनंदित नहीं हुआ कि उस आनंद में क्लेश ना आए। कहीं कहीं रुपया उपया मिल गया तो आनंदित हुआ, फिर खर्च हो गया, बात भूल गई। लड़का पैदा हुआ आनंदित हुआ, और जब लड़का बड़ा हुआ तो लड़के से बोलने की मन नहीं कहता है, तो आनंद उड़ गया। विवाह हुआ, बहुत गर्माहट हुई, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को स्वर्ग के रूप में देखने लगे और थोड़े दिन में नरक के रूप में देखने लगे। पति पत्नी आमने सामने पड़ना मुश्किल, बात नहीं करते। दुनिया की वस्तुओं में जो आनंद आता है वो क्षणिक है, ऐसा आनंद जो कभी घटे ना, वह आनंद सर्वोच्च आनंद है, और वो चित्त की निर्मलता और आत्मबोध का आनंद है। वो आनंद स्थिर रहे तब जानो दिन बढ़िया कट रहे हैं। नींद खुले और मन में तनाव ना हो किसी के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, पुत्र के लिए, भाई के लिए, पड़ोसी के लिए, किसी के लिए मन में घृणा ईर्ष्या कुसंस्कार ना हो, कोई तनाव ना हो, एकदम सरल चित्त, और दिन भर आनंद से कटे, तनाव रहित, विकार रहित, और जब सोएं तो विकार रहित होकर के सो जाएं, तो ये दिन अच्छा कटा। अब अगर क्रोध आया, उलझन आई, उद्वेग आया, मानसिक संताप आया, किसी के लिए कलह आया, विवाद आया, उद्वेगों में उद्वेगित होकर के जल रहे हैं, तो क्या दिन कट रहा। दिन तो कट ही जाता है, रो रो करके कटने से क्या मतलब है, आनंद से दिन कटे। ये पद बहुत छोटा है साहब का, इतना द्रावक है, कैसे दिन कटिए जतन बताए जाइए। कैसे दिन कटिए में व्यंजना जो है, और जतन बताए जाइयो में जो व्यंजना है, बड़ी तीव्र है। कैसे दिन कटिए, हमारे दिन कैसे कटेंगे, कैसे कटे हैं, आनंद से कटे हैं, इसलिए गुरुदेव जतन बताए जइयो, बताए जइयो, जइयो शब्द में वियोग की व्यंजना है कि गुरु जी तो जा रहे हैं, वो तो कृतार्थ हैं, हम अभी कृतार्थ नहीं हुए हैं, और कहीं इसी बीच में गुरु जी का शरीर न रहे तो क्या होगा, और हमारा कौन बेड़ा पार करे, कौन समझाएगा। लेकिन ये साधक को समझना चाहिए कि गुरु मरता नहीं, देह मरती है, जो गुरुपद है वो नहीं मरता, गुरुपद में स्थित संत सब समय रहते हैं, और वे रास्ता बताएंगे। एक होता है साधक और एक होता है सिद्ध साधक। साधक होता है जो अपने मन को स्वस्थ करने का प्रयास करता है, बीच बीच में उसे विकार आता है, मन उद्वेगित हो जाता है, वाणी अव्यवस्थित हो जाती है, कर्म में चंचलता आ जाती है, तो इस प्रकार बीच बीच में हो जाता है, लेकिन वो स्वस्थ अपने को रखने का प्रयास करता और स्वस्थ रहता भी है, ये साधक का लक्षण है। और जब ऐसी अवस्था आती है कि मन बिल्कुल निर्मल रहता हर समय,
और वाणी ठीक और कर्म ठीक सब ठीक तो सिद्ध साधक है, सिद्ध है, परिपक्व है, लेकिन साधक वो भी है। जब तक शरीर है तब तक उसे भी सावधान रहना है, जो जीवन मुक्त है उसको भी सावधान रहना है। सावधान नहीं रहेगा तो ठीक नहीं। तो एक साधक होता है, एक सिद्ध साधक होता है। संत जन अगर साधक हैं तो बहुत है, तो दूसरे साधकों के लिए वो सहारा बनेंगे। और सिद्ध साधक हैं कोई तो बहुत बढ़िया है। दुर्भाग्य यह है कि बहुत ऐसे वेशधारी मिलते हैं जो एकदम बहिर्मुख हैं, वे न तो ध्यान करते हैं, ना अध्ययन करते हैं, ना निर्विवाद रहने में निष्ठा रखते हैं, उलझन, उद्वेग, लड़ाई, झगड़ा, तू-तू, मैं, केवल एक व्यवसाय, साधु कपड़ा पहन करके एक व्यवसाय, पूजा पाठ किसी ढंग से भगत लोग करवाए कर दिए, उनको दक्षिणा मिल गई, एक व्यावसायिक जीवन जैसा धर्म का व्यवसाय भर, साधना व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं। तो ऐसे लोगों को, साधकों को, गृहस्थों को ज़्यादा नहीं मिलता है। गृहस्थ लोग अपनी दुनियादारी के ताप में स्वयं तपित हैं, वे संतों के पास जाते हैं एक ही कामना से कि हमारा जलता हुआ मन शीतल हो जाए। साहब ने कहा भी है, साधु बिरच सत ज्ञान फल, शीतल शब्द विचार, जगमा होते साधु नहीं जर मरता संसार। साधु वृक्ष हैं और उनके शब्दों का विचार शीतल छाया है, सत्य ज्ञान का उसमें फल लगा है। ऐसे संत जगत में न होते तो जगत के लोग जल मरते। गृहस्थ लोग अपने घर परिवार में हैं, वहाँ तू तू मैं, पता नहीं क्या क्या ऊंच नीच सब है, और उसमें उद्वेगित होते हैं बेचारे, कष्टित होते हैं। संत के पास जा करके वे शीतलता चाहते हैं, और संत जिनका नाम है वे उद्वेगित हो, वे लड़ते हो, वे झगड़ते हो, वे लोलुप हो, चंचल हो, तब गृहस्थ लोग कहाँ जाए। इसलिए साधुओं की संपत्ति वैराग्य है, भक्ति है, ज्ञान है। साधु बाबा, गुरु बाबा का बड़ा मठ है, इसका महत्व नहीं, और उनके पास धन ज्यादा है इसका महत्व नहीं, उनके अनुगामी ज्यादा है इसका भी महत्व नहीं, वो विद्वान है इसका भी महत्व नहीं, वो शीतल है, आत्मसंतुष्ट है, तृप्त है, विवाद रहित है, कुतर्क रहित है, तो फिर साधकों के लिए वह अमृत दाता है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, विद्वान, राजनेता, सबसे समाज को लाभ है, लेकिन सच्चे संतों से लाभ अमोघ है। जो सच्चे संतों से लाभ होता है उसकी तुलना कहीं नहीं। सारी उपलब्धियां निरर्थक हैं अगर मन में शांति ना हो। शांत दुनिया का सबसे बड़ा सुख है, और वो जीवन को पवित्र करने से मिलेगी, लेकिन जीवन को पवित्र कर लेना कोई सहज नहीं है। जाना तो जाता है, सलिलधार नदियां बहे, पांव कहाँ ठहरा है। बड़े जोर से नदी बहती है, पांव ठहरता नहीं, और पांव ठहराने के लिए बल चाहिए, वो सदगुरु का बल है, संतों का बल है। जब रहनी संपन्न संत हमें दिखाई देते हैं और हम समझ पाते हैं, हमारी श्रद्धा जमती है। एक तो रहनी संपन्न संत दुर्लभ है, और मिले भी तो उनको समझ पाना भी दुर्लभ है। अच्छे संतों की निंदा करने वाले लोग होते हैं, और निंदा करने वालों में ऐसे लोग होते हैं जो स्वयं ज्ञानी हैं और सच्चे संतों की निंदा करते हैं, तो क्या कहा जाए, कहाँ वो समझे।
समझना भी सहज नहीं है। दुनिया के बड़े से बड़े अच्छे संत निंदित किए गए हैं, तो संत अच्छे हों और हम उनको समझ भी पाए, समझ करके हमारी श्रद्धा जमे, श्रद्धा अपने मन का अहंकार कामना बुद्धि में पर्दे ऐसे हैं कि श्रद्धा जमना भी सहज नहीं। हर इंसान को अपनी नैतिकता और बुद्धि का घमंड होता है। हर आदमी समझता है कि मैं सबसे बड़ा नैतिक हूँ, मेरे समान सद्गुण किसमें हैं, और समझ हमारी सबसे बड़ी गहरी है, अपनी बुद्धि का और अपनी नैतिकता का सद्गुणों का घमंड होता है। ये घमंड सच्चे संतों सद्गुरुओं के प्रति निष्ठा उत्पन्न होने नहीं देता है। मन हमारा जंगल है, अपने मन का था मिल जाए वो धन्य, लगाने से मिलेगा, विनम्र हो जाए तो मिलेगा। विनम्र हो के भक्ति द्वारा साधना करते करते मन के जंगल को हम साफ कर सकते हैं। सब अपने अपने मन के जंगल में उलझे, और उसी उलझाव में पारिवारिक सामाजिक राष्ट्रीय सब प्रकार की उलझने हैं। मन उद्वेगित है तो परिवार में उद्वेग आएगा, हमारा मन उद्वेगित रहेगा तो हम अन्यथा कहेंगे, जैसा नहीं कहना चाहिए वैसा कहेंगे, और जब वैसा कहेंगे तो दूसरे लोग और उद्वेगित होंगे और ऐसे करेंगे, हमारा मन लुलुप है तो हम खाने पीने भोग की वस्तुओं पर आपाधापी करेंगे, चुराएंगे, छल करेंगे, धोखा देंगे, तो उसमें बिगड़ेगा। हमारे मन में गड़बड़ी है तो वाणी में और कर्मों में गड़बड़ी होगी, और इन गड़बड़ियों से सब द्वंद आएगा। सारी गड़बड़ियों का मूल गड़बड़ मन है, और सारी अच्छाइयों का मूल निर्मल मन है। मन ही मूल है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मोक्ष और बंध का कारण मनुष्य के लिए मन ही है। मन ठीक हो तो अपनी समझ वैसी हो कि हम समझ पाए संतों को गुरुओं को, और श्रद्धा जमा पाए, ये भी बहुत मुश्किल है, और जो ये कर ले जाता है वो धन्य है। तो गुरु मरता नहीं, गुरु संत सब समय दुनिया में रहते हैं। साधक घबराए ना, साधक कहता है हमें वतन जतन बताए जाइयो, कैसे दिन कटे, यही पार गंगा वही पार जमुना, बीच में मड़ैया छवाए जाइयो। साहेब के वचन अलंकारों में होते, भेद जाने तो अर्थ लगे, नहीं तो न लगे। कितने ऐसे अर्थ हैं, गंगा जमुना आप ज्ञान वैराग मान सकते हैं, भक्ति मड़ैया मान सकते हैं, अन्य भी अर्थ किया जा सकता है, योगिक अर्थ किया जा सकता है, ईड़ा और पिंगला, गंगा जमुना मड़ैया सुषमणा की स्थिति, लेकिन वो एक उलझन का अर्थ है। सरल सादा अर्थ है कि वैराग और ज्ञान ये गंगा जमुना है, और बीच में मड़ैया भक्ति। भक्ति शुरू में है, मध्य में है, अंत में है, बिना भक्ति के किसी का निस्तार नहीं। भक्ति से शुरू होती है लगाव, जब भक्ति होती है मन में तब हम श्रद्धा, पहले तो श्रद्धा तब भक्ति। श्रद्धा है आस्तिक बुद्धि, जो सब कुछ का खंडन करते हैं वे कहीं नहीं रहते, उनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता, सबका खंडन। और श्रद्धा का अर्थ है सबका खंडन नहीं, गलत का खंडन, सही का मंडन। आस्तिक बुद्धि श्रद्धा है। वैसे श्रद्धा का शाब्दिक अर्थ है जो बुद्धि सत्य को धारण करे, वो बुद्धि की अवस्था श्रद्धा है। श्रत और धा, ये दो पद मिला के श्रद्धा शब्द बनता है। ये वैदिक ढंग से मैं कहता हूँ, वेदों में भी ऐसा लिखा है।
निघंटु में श्रद्धा के लिए श्रत शब्द का प्रयोग निघंटु में किया गया है, जिनके कुछ शब्दों का भाष्य यास्क मुनि ने किया है, आज से 2800 वर्ष पहले हुए हैं। तो श्रत, श्रत नाम सत्य, धानाम धारण, श्रद्धा में दो पद है, एक श्रत एक धा, श्रद्धा श्रत धा। सत्य धारण करने की बुद्धि श्रद्धा है, जिस बुद्धि में सत्य धारण हो उस बुद्धि को श्रद्धा कह सकते हैं। सत्य का धारण करना ही श्रद्धा है। सत्य को जानते हुए भी हम श्रद्धा नहीं रखते, क्षमा को हम जानते हैं अच्छी चीज है, श्रद्धा नहीं रखते, लड़ाई में श्रद्धा रखते हैं। दुर्व्यसन मुक्त जीवन में सुख है ये हम जानते हैं, कोई नशा नहीं लेना चाहिए जानते हैं, लेकिन बीड़ी पीते रहते हैं। बीड़ी पीने वाले सब जानते हैं बीड़ी पीना गलत है। जिन जिन बीड़ी पीने वालों, तम्बाकू खाने वालों से मैंने पूछा कि इससे क्या फ़ायदा, तो फ़ायदा तो कुछ नहीं है, तो नुकसान, क्या नुकसान तो है, अब फ़ायदा नहीं है और नुकसान है, फिर क्यों खाते पीते हो, यही व्यामोह है। गलत जानते हुए गलत का ना त्याग करना, यही व्यामोह है। और ये व्यामोह कौन त्यागेगा, हम आप त्यागेंगे, त्यागेंगे तो त्याग की शक्ति बढ़ेगी, नहीं त्यागेंगे तो त्याग की शक्ति नहीं बढ़ेगी। जो चलता है चलने की शक्ति उसकी बढ़ती है, जो नहीं चलता है चलने की शक्ति नहीं बढ़ती है। जो चलते फिरते नहीं उनको दो चार फरलांग चलना पड़े तो व्याकुल हो जाते हैं, और जो चलते रहते हैं 10-15 किलोमीटर चलना पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है जो 8 मील एक सांस में न चल ले वो आदमी नहीं, केचुआ है। एक सांस का मतलब एक बार, ये नहीं कि एक बार सांस लिए तो 8 किलो मील कैसे चले जाओगे, अर्थ है एक बार खड़े हुए और चले और 8 मील चलते गए तो ये वीरता है। तो जो चलता रहता है तो चलने की शक्ति उसे मिलती है, काम धाम करो तो काम धाम करने की शक्ति रहेगी, जो काम धाम नहीं करता उसको फावड़ा पहुंच पकड़ा दो कुदारी हाथ में, वो हफर हफर करने लगेगा थोड़े समय में। त्याग से त्याग की शक्ति बढ़ती है, त्याग न करो तो त्याग की शक्ति नहीं बढ़ती। जो लोग उपवास रहते हैं वह बीच बीच में उपवास रहते रहते हैं। माताओं में ये बहुत आदत होती है कितनों की, 7 दिन में कभी कभी माताएं 3-3 दिन तक उपवास से रह जाती हैं, 4-4 दिन तक। तो जो उपवास रहते हैं उनको उपवास रहने की शक्ति रहती है, जब चाहें न खाएं। लेकिन जो उपवास नहीं रहते हैं, एक दिन उपवास करना हो तो मालूम फांसी लटकाना। और इसकी स्मृति मुझे बचपन की है, अवध क्षेत्र में मेरा शरीर जन्मा है तो वहाँ के आसपास की जो स्थित है लोकल उसका अनुभव है बचपन का। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उधर रस्म है उपवास रहना, इधर है कि नहीं उस दिन, उधर है, अच्छा, तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उपवास रहना है। अब उधर कोई मित्र मेरा क्या कहें, अब आज तो नहीं खाने को मिलेगा, और उधर जो उसके प्रेमी हैं खूब खुश हैं आज उपवास रहेंगे। अब वो दूसरे जो हैं वो खाने में लज्जा करते, खाएंगे तो लोग सोचेंगे ये तो महानास्तिक है, कृष्ण भगवान के जन्मदिन को भी उपवास नहीं कर पाया, तो बेचारा लज्जित होके वो रहता है और लगता है उसको फांसी लगी है, और ले दे करके दिन काटता है, और दूसरे दिन भोरहरी ही वो नहा धो करके चौकम जाना चाहता है। और जो उपवास रहता है उपवास रहता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। त्याग से त्याग की शक्ति बढ़ेगी। आप लोग बीड़ी पीते हो जो इसमें, आज छोड़ दो, देखोगे छोड़ने की शक्ति बढ़ेगी। छोड़ोगे तब तो छूटेगी, अपने आप थोड़े छूट जाएगी। छोड़ोगे तो 2-4 दिन तकलीफ लगेगी और फिर सदा के लिए सुखी हो जाओगे।
सतपात्र होते हैं तो निर्देश से मान लेते हैं। एक ठाकुर जी अयोध्या के पास एक शहर में मेरा कार्यक्रम हुआ, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं था, लेकिन वो एक किसी से प्रेरित होकर सुनने आए। मेरी उम्र उनकी भी है, 3 वर्ष पूर्व। तो सुने और ठाकुर ठकार आदमी, सब खाते पीते थे। जब वहाँ से उठे तो एक दुकान पर सब बैठे, लीजिए ठाकुर जी सिगरेट पीजिए। तो सिगरेट हाथ में लिए फिर पी नहीं पाए। उन्होंने मुझे बताया पीछे 2 वर्ष के बाद कि महाराज लगा कि आप खड़े हैं सामने और कह रहे हैं क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा आप कभी नहीं पीऊंगा। तो सब गलत चीज छोड़ दिए जो खाते पीते थे, सब छोड़ दिए और केवल एक प्रवचन सुने थे और परिचय मेरा नहीं था, सब छोड़ दिए। और छोड़ करके इतने दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए, मेरी पुस्तकें पढ़ने लगे, मेरा सिद्धांत स्वीकार कर लिए। और इस वर्ष उन्होंने कार्यक्रम रखा, अब की बार दीक्षा भी उनकी हो गई। तो जब ये हिस्ट्री सब बताए, अब की बार वो बताए, पहले क्या जानूँ मैं, कौन सुनता है कौन छोड़ता है मुझे क्या पता है। तो मैंने कहा भाई तुम सतपात्र हो। कितने लोगों को तो कहते कहते मैं बुढ़ा गया, वो भगत है वो छोड़ते नहीं। क्योंकि उनमें चेष्टा ही नहीं है सुधार करने की, तो क्या होगा, फांसी में लटकाना है। बीड़ी छोड़ देंगे तो मानो फांसी में लटकना है। अरे छोड़ दो, छोड़ देने पर देखोगे आपको सच्चा सुख होगा। त्याग से त्याग की शक्ति बढ़ती है। तो ज्ञान और वैराग्य ये गंगा जमुना है और भक्ति बीच की मड़ैया। भक्ति से शुरुआत होती है। हाँ मैं कह रहा था श्रद्धा सत्य को जो बुद्धि धारण करे वो बुद्धि की अवस्था श्रद्धा है। और श्रद्धा का सहज अर्थ है आस्तिक भाव, आस्था रखना। पिता में श्रद्धा है। अब पिता ने थूक दिया, कहीं बीच में थूक दिया और मैं पिता पर बिगड़ जाऊँ तो ये श्रद्धा नहीं, बिगड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत बुरा लगा मुझे तो वहाँ धो करके पोंछ करके साफ कर ले। हमसे कोई बड़े हैं श्रेष्ठ हैं और उनकी तनिक तनिक बात को नुक्ताचीनी की करते हैं हम, तो ये श्रद्धा नहीं। श्रद्धा का अर्थ है सद्गुण लेना, त्रुटि प्रतीत हो तो न लेना, आस्तिक बुद्धि रखना, आस्था रखना। और भक्ति का अर्थ है समर्पित हो जाना, तन्मय तदाकारता भक्ति है। श्रद्धा से भक्ति आती है, श्रद्धा करते हैं तब फिर शुरू होता है। मुझे बचपन की याद है, जहाँ कहीं संतों का हो मेला तो सुनो तो जाऊँ। अब श्रद्धा थी मन में, संत को देख करके खुशी होती थी। तो आसपास में उस समय भंडारा कहते थे लोग, साधु बाबा की कुटिया पर भंडारा है। तो भंडारा में जाऊं तो खाऊं तो नहीं, जो बन सके दे दूं और बैठ के सुनूं, जो कुछ भजन गावें कुछ बोलें कुछ करें, देखूं सुनूं और चलाऊं, तो मन में खुशी हो। तो एक श्रद्धा मन में थी, आस्तिक बुद्धि थी कि इन संतों के पास बैठने से जाने से इनमें प्रेम करने से हमें अच्छा रास्ता मिलेगा। ये परमार्थ पथ के पथिक हैं। ये दुनियादारी को छोड़ करके किसी ऐसी चीज में लगे हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, और वो वही सबसे बड़ी चीज है। ये श्रद्धा थी। तो जब गया तो समझने लगा, सुनने लगा, देखने लगा। इतने में ऐसे मिलते मिलते पारखी भक्त मिल गए और संत मिल गए, फिर सद्गुरु मिल गए, फिर तो क्या पूछना है, एकदम रास्ता ही मिल गया। अब श्रद्धा न होती, मैं संतों के पास जाता नहीं, तो भक्ति कहाँ से पैदा होती। जब अच्छे संत मिलते हैं तब भक्ति पैदा होती, समर्पण भाव उत्पन्न होता है।
लेकिन पहले तो श्रद्धा की जरूरत है, आस्तिक बुद्ध की जरूरत है, ये परमार्थ पथ के पथिकों में निष्ठा रखने की जरूरत है, इनके पास बैठने से मिलेगा। एक भगत ने कहा कि अरे बाबू, 12 बरस बसो संतन की टोली, तब पाओ एक ठिठोली। उत्थवई काम करता था, रजगीर ईंट जोड़ता था और कबीरपंथी भक्त था और एक एक व्यंग करता था। वो तो कहे कि 12 बरस बसो संत की टोली, तब पाओ एक ठिठोली। ठिठोली नाम हंसी बात, 12 बरस संतों के पास रुको बसो, तब कहीं एक बात समझोगे। अब 12 बरस में एक बात समझे तब कैसे कल्याण होगा? ये अतिशयोक्ति है। मतलब है कि संतों के पास जब बैठो उठोगे तो धीरे धीरे ज्ञान होगा, इसका अर्थ यही। तो मुझे अपने जीवन का अनुभव है कि मेरे मन में श्रद्धा थी, आस्तिक बुद्धि थी, इसलिए संतों के निकट जाता था। और उसी में हमें संत मिल गए जो सच्चे संत और सच्चा बोध और सच्ची समझ हो गई, तब उसमें भक्ति हो गई, समर्पण हो गया। और ये श्रद्धा भक्ति शुरू में है, मध्य में है, आखिर में है। इसको छोड़ करके वैराग काम नहीं देगा। अगर श्रद्धा घटी तो समझ लो वैराग पहले घट गया, ज्ञान पहले घट गया। श्रद्धा ऐसी चीज है जो स्थिर चीज है, वही जोड़ती है। दो ईंटों को जैसे गिलावा जोड़ता है वैसे श्रद्धा जोड़ती है। तो श्रद्धा भक्ति, श्रद्धा है आस्तिक बुद्धि, श्रद्धा है सत्य को धारण करने की बुद्धि, और भक्ति है समर्पण भाव, तदाकारता, तन्मयता। यही पार गंगा वही पार जमुना, बीच में मड़ैया छवाए जइयो। इन्हीं ज्ञान भक्ति वैराग्य का उपदेश सद्गुरु हमें दें और वो रास्ता बताएं जिस पर चल करके हमारा कल्याण हो। अचरा फार के कगजा बनायो, अपनी श्रुतियाँ लिखाए जइयो। अचरा आंचला, प्रायः माताएं जो साड़ी पहनती हैं तो जो सिर पर रखती हैं जितना हिस्सा, उसको अचरा कहते हैं अवध क्षेत्र में। तो उसका अर्थ यही है कि वस्त्र फाड़ करके कागज बनाया और उसमें अपनी श्रुतियाँ लिखाए जइयो। ये सब लाक्षणिक है, मतलब है कि हमारा हृदय ही अचरा है और गुरु की श्रुति गुरु का बोध है। श्रुति नाम लक्ष्य, गुरु जिस पर लक्ष्य देते हैं और कहते हैं इस पर लक्ष्य दो, उस स्वरूप बोध है, आत्मबोध है, वही लिखवाते हैं। हमारा हृदय ही मानो हमारा अचरा है और गुरु का ज्ञान उस पर लिखावट है। गुरु जो कहते हैं उसको सुनो, मनन करो, आचरण करो, थोड़े में काम बनेगा। और न काम करो, सुनते रहो जीवन भर, बुढ़ा जाओ, रहोगे वैसे वैसे। 40 बरस से भगत हैं, 50 बरस से साधु हैं, लेकिन जैसे पहले थे वैसे अभी खड़े। क्रोध घटा नहीं, काम घटा नहीं है, मोह घटा नहीं है, लड़ाई नहीं घटी है, विवाद नहीं घटा, कलह कर लेते। 50 बरस से भगत हैं, अब अपनी पत्नी से लड़ते रहते हैं और गुरु बाबा हैं अपने चेले से लड़ते रहते हैं। कोई क्षमा नहीं है, ना आपको क्षमा ना हमें क्षमा है। गलत करेगा वही फल पाएगा। इसलिए जब जीवन जल्दी जल्दी बदलता जाए तब जीवन है। कैसे बदलता जाए? अच्छे की तरफ, खराब की तरफ नहीं। तमसामय ज्योतिर्गमय, तमसो म ज्योतिर्गमय, तम से ज्योति की तरफ चलना, अंधकार से प्रकाश की तरफ चलना,
गलती दूर होती जाए, अच्छाई बढ़ती जाए, क्रोध घटता जाए, काम घटता जाए, मोह घटता जाए, ईर्ष्या घटती जाए, चंचलता घटती जाए, उद्वेग घटता जाए, विवाद करने की आदत, लड़ाई झगड़ा करने की आदत घटती जाए, खत्म हो जाए, ये अतिशयोक्ति से काम नहीं चलेगा। साधक साधना करता है तो तुरंत काम बिल्कुल खत्म थोड़े हो जाता है, तत्काल तो लगेगा खत्म हो गया लेकिन फिर उदय होगा, तो वो धीरे धीरे खत्म होगा। क्रोध एक वेग नहीं खत्म होगा, किसी क्षण तो लगेगा अब क्रोध नहीं है, शांत है, लेकिन जैसे मन के प्रतिकूल हुआ फिर फनक उठेगा। इसलिए साधते साधते रगड़ते रगड़ते तब होगा। देखो आप तो जानते हैं पत्थर पर बैठे हैं, ये घिसा गया है, घिसते घिसते इतना चिकना हुआ है। हीरा खदान से निकलता है, अगर उसका दाम 10,000 है तो तराशने पर 1,00,000 हो जाता है, 10 गुना दाम बढ़ता है। संस्कार दिजुच्यते, संस्कार होने से दिज कहलाता, दोबारा जन्मा हुआ। तो ब्राह्मण कहे जाने वाले लोगों ने तो उसकी ऐसी घेराबंदी कर ली थी, जिसका रूढ़ नाम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वही दिज हैं, उन्हीं का संस्कार होता था। गायत्री मंत्र उनको सुनाते थे, जनेऊ पहनाते थे, तो उनका संस्कार हो गया, वो दिज हो गए, दोबारा जन्मा हो गए, बाकी लोग नहीं। ये घेराबंदी थी और राजनीति थी, चालबाजी थी, ये गलत था। वेदों में ऐसा नहीं कहीं पता चलता है, गायत्री मंत्र सुना करके दीक्षा देने की बात वेदों में कहीं नहीं है, क्योंकि वेदों में वर्ण व्यवस्था का कोई स्वरूप नहीं है और कहीं जोर नहीं। अथर्व वेद में फिर आगे चल करके गड़बड़ियाँ आई हैं, अथर्व वेद में अच्छी बातें भी बहुत हैं, लेकिन जरा ब्राह्मण बाद उसमें उभरा है, ऋग्वेद में नहीं है। किंतु अथर्व वेद में भी उसका कोई विवरण नहीं है। आगे चल करके जब वर्ण व्यवस्था हुई, उदृढ़ हुई, तब उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहे जाने वाले समाज के लिए उनके लड़कों को दीक्षा देने की बात आई और उसमें नियम बनाया गया कि इतने वर्ष में ब्राह्मण का लड़का, इतने वर्ष में क्षत्रिय का लड़का, इतने वर्ष में वैश्य का लड़का दीक्षित तो हो जाए। तो आचार्य आता था या आचार्य के पास जाते थे और वो वैदिक कर्मकांड के अनुसार जो आजकल होता है और उस समय होता था उसमें क्या अंतर था तो कोई इतिहास तो है नहीं, लेकिन मैंने एक रूप दिया, गायत्री मंत्र सुनाए खास। वेद मंत्रों से कई कर्मकांड करते हैं लेकिन खास बात होती है गायत्री मंत्र शिष्य के कान में सुनाते हैं और जनेऊ पहनाते हैं, तब कहते दिज हो गया, दोबारा जन्मा हो गया। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन रूढ़ समाज के लिए किया, बाकी के लिए नहीं। शूद्र कहे जाने वाले बहुत बड़े समाज के लिए नहीं किया, ये अज्ञान पक्षपात है और बहुत गलत बात है। वस्तुतः मानव मात्र द्विजत्व का अधिकारी है, दोबारा जन्म का अधिकारी है। मनुष्य के दो जन्म होते हैं, एक देह का एक धर्म का। देह का जन्म तो मनुष्य पर सबका होता है, लेकिन मनुष्य वह होता है जो धर्म का जन्म जन्म है, गुरु से दीक्षित हो और तब वो संस्कार हुआ। संस्कार कहते हैं साफ करने को, धोने को, खुरचने को, संवारने को, सुधारने को। संस्कृत इसीलिए कहा जाता है सुधरी हुई वस्तु, बनी हुई वस्तु, निर्मित वस्तु। तो संस्कार दिजुच्यते, जब संस्कार हो गया तो दोबारा जन्मा हो गया। गुरु का उपदेश हमारे हृदय रूपी अचरा पर लिख गया। कहें कबीर सुनो भाई साधो, बहिया पकड़ के रहिया बताए जइयो, ये और द्रावक है। साहब तो क्या कहें, अमूल्य धन हुए हैं साहब, और जो जो शब्द उन्होंने कहा है छोटा छोटा एकदम मन को मथ देता। कहें कबीर सुनो भाई साधो,
बहिया पकड़ के रहिया बताए जी, एकदम अंधा आदमी, उसको कह दो चले जाओ ऐसे ऐसे, क्या जाने बेचारा कैसे, हाथ पकड़ो लेके चलो। अंधे को हाथ पकड़ करके चलाया जाता है। शिष्य अपने को मानता है मैं अंधा हूं, भटका हूं, भटक रहा हूं, इसलिए बहिया पकड़ के रहिया बताए जाइयो। हे सदगुरु करुणा करके हमें अंधा समझिए, अज्ञानी हैं, भटक रहे हैं, मन हमारा ठीक नहीं, समझ ठीक नहीं, हम अपनी दशा में नहीं हैं, हमारे हाथ पकड़ करके रास्ता बता ले जाना। जइयो जइयो शब्द जो आखिर में और द्रावक है, क्योंकि कौन किसके साथ है, गुरु कब तक खड़ा रहेगा, चाह करके भी कोई रह सकता है। रामकृष्ण परमहंस रुग्ण हो गए, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, 50 से ऊपर थे और कैंसर हो गया। कई लड़के लगे थे उनके साथ ब्रह्मचर्य लेकर के साधना में, लेकिन उनको व्यवस्थित किए बिना चले गए, उनका प्रारब्ध ऐसा था। तो उसमें जो पक्के मन के थे लग गए, जो कच्चे मन के थे बिखर गए। तो गुरु कब तक बैठा रहेगा, शिष्य को चाहिए स्वयं जोर देना। और किसी का गुरु मर जाते मत समझो मर गया, कुछ लोग मिलते हैं कहते साहब हमारे गुरु जी मर गए, नहीं रह गए, अब साहब आपसे दीक्षा चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ भाई दीक्षा ना लो, दीक्षा किसी गुरु से हो गई है बस काफ़ी है, ये समझ लो गुरु मरता नहीं। जितने विवेकवान संत हैं सब गुरु हैं, उनसे निर्देश लो और कल्याण करो। तो हथवा पकड़ के रहिया बताए जाइयो, हाथ पकड़ करके हमें रास्ता बताते जाना, हम अबोध हैं। यह शिष्य भाव को इतना बढ़िया उजागर किया गया है और इसमें मुमुक्षा और तीव्र वेदना है, हम लोगों को अपने जीवन में इन बातों को उतारना चाहिए। ऐसे ही विनयी होना चाहिए, ऐसे ही कल्याण के लिए समर्पित होना चाहिए, गुरु और संतों के प्रति ऐसे ही श्रद्धा रखना चाहिए और श्रद्धा रख करके उनसे कल्याण की बात समझना चाहिए। कल्याण का अर्थ क्या है, कल्याण का अर्थ है दुखी न होना, हमारा कल्याण हो जाए, इसका मतलब दुखी न होना कल्याण है। अब अगर मन में दोष है तो दुख होगा, मन में दोष नहीं रहता है तब दुख खत्म होता है। इसलिए अपने अंदर के दोष को हमें दूर करना है और समझ ठीक करना। समझ ठीक नहीं है, भगवान कहीं बाहर है, लोक लोकांतर में है, यही भाव में कोई भटक रहा है भटकता रहेगा, जिंदगी बीतती रहेगी। भगवान कहीं बाहर नहीं, मोक्ष कहीं बाहर नहीं, स्वर्ग कहीं बाहर नहीं, स्वर्ग मोक्ष भगवान ईश्वर परमात्मा ब्रह्म पारमार्थिक जितने शब्द हैं उन सब का अर्थ है आपका अंतरतम स्वरूप जो आपके अंदर में बैठा हुआ है। आपके अंदर में भी कहना एक तरीका, आप खुद हैं, खुद आप परमात्मा हैं, खुद आप ब्रह्म हैं, खुद आप कल्याण स्वरूप है। अपने स्वरूप को समझिए, ये आत्मा अजर अमर है, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई दुख नहीं, कोई पाप नहीं, सारा पाप दोष दुख बनाया हुआ है, ऊपर से लादा गया है, उसको हटा देना है। उसके हट जाने पर ये दिव्य है। सबको ये ज्ञान होना चाहिए कि देह से अलग जीव है, मैं देह नहीं हूँ जीव हूँ। और इस छोटे से पद में शिष्य ने गुरु से यही प्रार्थना किया, हे सदगुरु हमें रास्ता दिखाओ, हम भटक न जाएं। और हम लोगों की इसी प्रकार विरह वेदना भक्ति के सहित कल्याण करना चाहिए बस।